पिज्जा ले लो 150 रुपया देगा। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 14 फेब, कोई खास सेलिब्रेशन नहीं है, खाना पीना तो रोज का है और नॉर्मल घरों में ना कोई वैलेंटाइन डे वे नहीं होता। रोज बनाओ, रोज खिलाओ, रोज मादो दो, रोज नई नई डिमांड्स। ये देखो एक और है क्या पिज्जा लेके खुश हो रहे हैं। पिज्जा ले लो 150 रुपया देगा। देखो नालायक को बाप अभी बेचे मौज कर। देखो सब सामान यहाँ वहाँ गिरा पड़ा है, बच्चे पिज्जा का डब्बा लेके घूम रहे हैं, बाप अभी ड्राइव कर रहा है, घर पहुँचा नहीं है। बोलो एक खोल दो ये। तो बाकी सारे रूटीन काम तो एज इट इज चल रहे थे, आज बस एक ही चेंज हुआ है कि रात को पिज्जा आ गया है। और नॉर्मल घरों में ना इसी को सेलिब्रेशन कहते हैं। तो ये है हमारा चीज ब्रेड चिकन पिज्जा, बच्चों से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओए खा जाऊं मैं? नहीं मैं अपना वीडियो डालो, मुझे फोटो खींचना है। कैसा है पिज्जा? पिज्जा जबरदस्त है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन एक ही फायदा है, पिज्जा खाने से बर्तन नहीं धोना पड़ता, ऐसे टिश्यू में खाओ और काम खत्म। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, तो अब दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ और बाबू के भी आने का टाइम हो गया है, तो चलिए। लंच में है दाल राइस, बाबू का मिक्स करके रख दिया है, और मेरा साग रोटी। फाइनली खाना पीना डन हो गया है, बाबू आते ही खाना खाया और उसके बाद फिर से ट्यूशन, यानी बच्चे फिर से अपनी रूटीन लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम वो गेम खेलने से तो आज़ादी मिली, वरना सारा दिन गेम में रहते थे और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता था कि क्या बोल के उनको रखाएं। तो अब सुपर बिजी क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ट्यूशन, स्कूल, स्कूल से आते ही थोड़ा खाना वाना खाया, उसके बाद ट्यूशन, फिर शाम को खेलेगा थोड़ा सा। और अब मेरे एक टाइम का काम तो हुआ ख़त्म, शाम को मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग पे जाना है और अब खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है, और इसी रेस्ट में होगा वीडियो एडिटिंग का काम भी, तो वो भी कर लेते हैं। आ गया ट्यूशन से, कैसा रहा है मैथ्स का टेस्ट? सब राइट था। सब राइट था, कैसे मालूम? फुल मार्क्स मेरा बच्चा थक गया रे, आज सुबह से उठ के भागम भागी चल रही है ना। अभी क्या? अभी मोबाइल का कैमरा नहीं सही लग रहा है। पेरीमीटर वाला बोल देता और एरिया का पेरीमीटर को बोल देता। फिर मिस ने लिखाया था मेरे को, तो वो ही देख के लिखा, मतलब वो लर्न किया पहले, जब पहुंचा तो थोड़ा टाइम मिला, फिर वो किया, फिर सब याद आ गया। इस बार मेरा बाबू ना मैथ्स पेरीमीटर वो जो है ना जो चैप्टर बहुत ही वेल डन। आज बाबू ने मैथ्स बहुत अच्छा किया है, उसकी रौनक दिख रही है। ट्यूशन से आ गया, सुबह से कंटिन्यू स्कूल क्लास, ट्यूशन अभी फ्री हुआ है, तो अभी ये किस प्लानिंग में है? क्या करेगा अभी? अभी गेम खेलूंगा और क्या? पूछने की क्या जरूरत, मोबाइल हाथ में तो समझ लो गेम खेलेगा। गेम खेलेगा मेरा लाल, अभी मना भी नहीं कर सकती, जाने दे खेल ले थोड़ा, पर कितना टाइम खेलेगा घड़ी देख के? 7 बजे तक। ए शट अप, 4 घंटा खेला, अरे खेला बोलो, पढ़ाई किया मैं 3 घंटा। ए व्हाट खाई? उधर 2 घंटा बैठा है। हाँ तो पर वो स्कूल नहीं था तो पढ़ाई हुआ था। तो जितना घंटा पढ़ोगे उतना घंटा खेलोगे, ये क्या बात हुई? 3 घंटा ना तो 5 बज रहे 7 बज बंद करो। 5 कहाँ बज रहे? 5 बज रहे। हाँ 5 बज रहे, शाम की चाय का भी समय हो गया है। अब बाबू को मीठा खाना है,